बैठना बैठना। तो गेम ये है राघव, इस गन में एक गोली है और इन तीन बॉक्सेस में तेरी जिंदगी के राज। गन उठा, अपने माथे पे लगा एंड शूट। अगर तू बच गया तो ये राज तेरे, और अगर मर गया तो आई प्रॉमिस मैं तुझे शमशान छोड़ने जाऊंगा। देखते हैं राघव राव की जिंदगी कितनी लंबी है। कम ऑन मैन, लेट्स बिगिन द गेम। जेल में सड़के तेरे को ड्रामा का बहुत शौक हो गया होगा, लेकिन राघव राव ऐसा नहीं है। राघव राव तो फिर ये राज भी राज ही रह जाएंगे। कम ऑन बी अ मैन। फर्स्ट दिसंबर क्या है? नेक्स्ट लेवल खेल राघव, अपने आप पता चल जाएगा। पापा, इस पूजा में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर भूल सजा के लायक हो तो सजा मुझे दीजिएगा, राघव को नहीं। तूफानी रात्रि, फर्स्ट दिसंबर रोज तूफानी रात, क्या बोलना चाहता है तुम? मुदटी भरता वेद किधर है? बारा
1 दिसंबर वो तूफानी रात तेरे पल्लवी का पहला पति टंटन योर फेवरेट चीज पास्ता इज रेडी मैडम स्मेल्स गुड थैंक यू आज की रात बहुत खास होने वाली है कीर्ति तू जानती है ना मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ सिचुएशन जो मर्जी हो मेरे लिए तेरा प्यार कभी कम नहीं होगा इस बात को याद रखियो समझी आज तुम्हें हो क्या गया अचानक पास्ता में कुछ मिला विला दिया है क्या हाँ मिला है ना अपना ढेर सारा प्यार सीधा यहाँ से चला जा बैठ खा ले मैं नहीं खा पाऊंगी क्यों एक्चुअली अभी मेरी फ्रेंड से ही बात हो रही थी तब पता चला ये वट सावित्री का व्रत होता है ना ये पूरे दिन का होता है हमारी करवा चौथ की तरह नहीं रात में खा के वो खोल सकते हैं वो अगले दिन ही खोलना पड़ता है क्या फर्क पड़ता है कीर्ति यार तू महाराष्ट्र में थोड़ी है तू तेलुगु में पंजाबी अपन वो करवा चौथ वाला रूल्स फॉलो करते हैं ना देख रात भी होगी और चांद भी निकल गया चला खा सनी तुम एक काम करो ना तुम पैक करके दे दो मैं कल घर जाके खा लूंगी कीर्ति तुझे ये बात पहले बोलनी चाहिए थी ना यार अब क्या बता रही है यार पूरा प्लान खराब कर दिया तूने मेरा प्लान मतलब पूरी पूरी मेहनत खराब होगी ना मैंने इतने प्यार से बनाया तेरे लिए क्यों खराब होगी मैं कल सुबह खा लूंगी ना सनी इतनी छोटी सी बात तो है एग्जैक्टली कीर्ति मैं भी वही कह रहा हूँ छोटी सी बात है इसको खा और अपना व्रत तोड़ना यार सनी मैं व्रत नहीं तोड़ सकती अगर मैंने व्रत तोड़ दिया ना तो मुझे वहम हो जाएगा गो हेल विद योर वहम यार बाहर में जा तू मुझे कोई बात नहीं करनी तुझसे सनी मैं टिफिन में भर के ले जाऊंगी ना सनी कल मैं खा लूंगी सनी हाँ मैम मैम आई एम सो सॉरी एक्चुअली मैं एक मीटिंग में फंस गई थी हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी ओके सनी मैं इसे टिफिन में पैक कर लेती ये अलमारी तो बंद है चाबी कहाँ रख दी मैंने यहाँ आजकल भुलक्कड़ होती जा रही हूँ मैं कहाँ रख दी चाबी 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 प्यास क्या कर रहे हैं यहाँ बहुत तेज बुखार है आपको ऐसा क्या खाया था कल आपने मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है शारदा मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हें इसके पास जाने से रोका था लेकिन तुम इसे यहाँ ले आई कुछ नहीं तो कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए राघव कल एक बुरा आदमी था पर आज पल्लव के प्यार ने उसके विश्वास ने उसे बदल दिया है लेकिन आप आज भी उस गुस्से और नफरत में बद से बदतर होते जा रहे हैं मुझे शर्म आ रही है आपको अपना पति कहते हुए नहीं शर्म आ रही है ना मुझसे तो जाओ अपनी पल्लव के पास लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगा आपकी इसी आदतों की वजह से आपका बेटा मंदार आपसे दूर हो रहा था मंदार का नाम मत लो शारदा क्यों ना लो मंदार का नाम वो मेरा भी बेटा था मंदार का पूरा बचपन आपने खराब कर दिया आपके नाम से थर थर कांपता था मंदार आपके हार्ट सुनते मेरे पीछे आके छुपता था उसका डर आपके अहम से और आपके गुस्से से बढ़ जाता था मुझे पता है आज राघव और पल्लवी आपसे नहीं डरते ना इसके लिए आपको खटकते हैं मैं मंदार के वक्त कुछ नहीं कर पाई थी लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी मुझसे और मेरी बेटी से आप दूर रहिए
मेरे अंदर आपके खिलाफ बहुत गुस्सा है। अगर वो गुस्सा बाहर आ गया ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आप। अम्मा हुँ? ये लीजिए प्रशांत। सब कुछ अच्छे से हो गया ना? राघव घर पर है क्या? नहीं, क्यों? कब से उसे फोन मिलाने की कोशिश कर रही हूँ और वो है कि फोन ही नहीं उठा रहा है। पर हुआ क्या है? माँ वो राघव, राघव कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें फोन लगा रही हूँ और तुम हो कि मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हो। राघव, राघव, राघव मेरी बात तो सुनो, राघव मेरी बात तो सुनो, राघव एक बार मेरी बात तो सुनो, राघव तुम्हें क्या हो गया है? मेरे को हर हाल में पता करना होगा कि 1 दिसंबर वाला रात वो आदमी पल्लवी का एक हस्बैंड ही है। चप्पू फरात, बोल। अन्ना मैंने कंफर्म कर लिया, भाभी की पहली शादी 1 दिसंबर 2018 को ही हुई थी। ऐसा नहीं हो सकता। पल्लवी के पास मंदार का फोटो जरूर होगा, मैं खुद कंफर्म कर लेता हूं। बताओ तो सही कि हुआ क्या है? राघव क्या हुआ? पता नहीं अम्मा, राघव बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है आज। पहले वो पूजा में आया और अचानक से सुलोचना काकू पर कोई बॉम्ब लगाने का इल्जाम लगाने लगा। उन पर अटैक किया उसने और फिर वहां से अचानक से चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया और वो कुछ ढूंढ रहा था, फिर जल्दबाजी में वापस निकल गया। अम्मा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसे हुआ क्या है। मैं देखता। राघव, राघव दरवाजा खोलो, राघव देखो दरवाजा खोलो, नहीं तो मेरे पास दूसरा चाबी है, मैं खुद से दरवाजा खोल देगा। राघव, नायडू सर के रूम का डुप्लीकेट चाबी लेके आओ जल्दी। राघव, राघव ये सब क्या है? क्या हो गया है तुम्हें अचानक? अभी मेरे से कुछ मत पूछना, मेरे पास जवाब नहीं है, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। अम्मा ये राघव को क्या हो गया? मैंने राघव को ऐसा कभी नहीं देखा, मुझे डर सा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा सा हुआ है। नहीं नहीं
थोड़ा टाइम दे, वो नॉर्मल होएगा ना तो खुद ही सब बता देगा। Smells good. खाने में तो और भी टेस्टी होगा। कल इसी से अपना फास्ट तोड़ूंगी। नायडू, अन्ना से कहना मैं घर के लिए निकल गया। फराद? जी भाभी। फराद, ये राघव आज ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? कैसे भाभी, मैं कुछ समझा नहीं। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ फराद, जो पूछ रही हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। मुझे पता है कुछ तो बहुत बड़ा हुआ है जो राघव मुझे बता नहीं रहा है। सच सच बताओ। भाभी कल बात करते हैं ना। एक्चुअली क्या है, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है और मुझे बहुत भूख। चलो भाभी। चलो भाई, क्या कर रही है? भाभी रुकिए तो। चुपचाप चलो, बैठो बैठो भाभी, बैठो। भूख शांत, अब बोलो। भाभी मैं आपको तो बता रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज अन्ना को कुछ मत बताना। आई प्रॉमिस, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा। भाभी वो लाइन, आई मीन वेदांत जेल से बाहर आ गए। क्या? हाँ भाभी, उसने अन्ना को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि उसने आपकी पूजा वाली जगह पे बॉम्ब लगाया, इसीलिए अन्ना पैनिक कर गए थे भाभी। और उसके बाद जब से अन्ना उससे मिलके आए हैं, तब से अन्ना ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं। फराद, वो वेदांत बहुत डेंजरस है। तुम राघव की सिक्योरिटी बढ़ा दो। वो मना करेगा लेकिन कर दो। डोंट वरी भाभी, मैं वो सब पहले ही कर चुका हूँ। पिछली बार मैं अन्ना के साथ नहीं था, लेकिन इस बार मैं 24/7 अन्ना के साथ ही रहूंगा। और आप टेंशन मत लीजिए, मैं अन्ना को कुछ नहीं होने दूंगा। भाभी राघव कहाँ है? अपने ऑफिस रूम में। पर भाभी आप प्लीज अन्ना को कुछ मत कहना। डोंट वरी, मैं उससे कुछ नहीं कहूंगी। वैसे भाभी ये पास्ता जिसने बनाया बहुत ही टेस्टी था, तो लेकर जाओ ना। सुनो, ये पास्ता पैक करके सर को दे दो। थैंक यू भाभी। कैसा कैसा हो सकता है ये सब? वो आदमी पल्लवी का पति था। कहीं वेट झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं, वो कमीना झूठ नहीं बोल रहा है। उसने जो कुछ भी बोला था उस रात सब कुछ हुआ था। पर शायद वो आदमी पल्लवी का पति ना हो। नहीं, पर पल्लवी का शादी उसी दिन हुआ था ना, और वो आदमी ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? इसका मतलब उस रात मंदार का डेथ हुआ था। ऐसा नहीं हो सकता। This is Raghav Rao speaking.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।